और नियत और नीति में ऐसी खोटे हाथ उठा के कह दूं नेता कौन है, तो अखिलेश यादव और मोदी जी में कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे जमाने जब हुई आपकी थी, राहुल गांधी की हार हो जाएगी, चुनाव में लड़ने का टिकट नहीं है, पत्रकार की तुम पत्रकार ऐसी टिकट के लिए पाठिका मंदबुद्धि है, मंदबुद्धि है, मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड गौरव का आवाज खोलिए, आपने मुझे कहा समय देंगे, मैं आपको दे रहा हूँ गौरव भाटिया, समय आपने खुद कहा वादा किया और आप झूठ बोल के इधर उधर कर रहे, बीच में ना बोल, मैं आपको वचन देता हूँ एक भाई होने के नाते आपका पूरा इलाज कराऊंगा, पिक्चर चालू करो बे, आपका ठीक नहीं है, आप पता नहीं क्या डिबेट कर रहे हैं, खौफ में है क्या आप, आप अपनी की जैंकर पे उतार रहे हैं, मेरा धर्म बनता है कांग्रेस से रिएक्शन लेना, धर्म और कर्तव्य एक एंकर का ये भी बनता है, उनको याद दिलाइए कि लौह पुरुष से ही तुलना होगी ना उस व्यक्ति की, इन्होंने आज लौह पुरुष सरदार पटेल से अमित शाह का कंपैरिजन कर दिया, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, एक मंत्री ऐसे जिनका लड़का लखीमपुर नरसंहार का मुख्य आरोपी है, राव के सम्मान की प्राचीर से बात करेंगे, लाल किले की प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह खुद वो व्यक्ति है जिन्होंने 11 बलात्कारियों की रिहाई की हरी झंडी दिल्ली में 2 हफ्तों के अंदर गुजरात के लिए दी थी, अमित शाह वो आदमी है, अमित शाह वो आदमी है जो 5 साल सरकार गुजरात में चलाने के बाद 8.5 साल दिल्ली में रहने के बाद अपने रिपोर्ट कार्ड पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, चिर परिचित अंदाज में गंदा घिनौना पोलराइजेशन करते हैं, मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि ऐसा व्यक्ति इस देश का गृह मंत्री है, गजब बेइज्जती है, अच्छी तरह सुनिए धमाका है ये, उस भाजपा के नेता के लड़के के लिए क्या करेगा जिसने अंकिता भंडारी को पहले जिस्म फरोशी की ओर ढकेलने की कोशिश करी, जब बात नहीं मानी तो उसको मार डाला और सबूत मिटाने का काम उत्तराखंड की सरकार ने बुलडोजर चलाकर किया, उन्होंने एक सीएम के लिए बोला कि वो 2 रुपए के ट्रोल के बराबर है, इसके ऊपर गौरव भाटिया आप लगातार कुछ आपका रिएक्शन, चवन्नी के ट्रोल के मुकाबले वो काम करते हैं, मतलब आप उनको चवन्नी साहब कह रही है एक तरह से, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, और ये हमारी गलती नहीं है कि राहुल गांधी के लिए हर कोई सोचता है वो एक मस्करेबाज है, वो पोगो चैनल के गोगो से तुलना होती है, हमारी गलती नहीं है, अब आपने भी पोगो के गोगो बोल लिया, अब आप भी शब्द का इस्तेमाल मत करिए, मैं बोलूंगा बोलूंगा क्या इनकी हैसियत है राजनीतिक, कौन भौंक रहा है बदतमीज, ये कुछ खोट की बात कर रहे थे मोदी जी की, तो नियत में ऐसी खोट है कि 10 लाख करोड़ का कर्जा माफी अमीरों की करते हैं, पोगो चैनल के गोगो की प्रवक्ता, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है, तू बोल रहे नारियल की शक्ल के करने, उस व्यक्ति का नाम गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी था, जब पुलवामा में 40 हमारे जांबाज शहीद हुए तो एक आदमी पिक्चर शूट करता रहे, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉर्बेट में थे, जब 20 जांबाज चीन से हाथापाई में मारे गए तो एक आदमी ने डर का दुबक कर कह दिया कोई घुसा हुआ नहीं है, चीन भी यही बात कहता है, इस देश का दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी और चीन का पीएलए एक बात कहता है, ये हमसे बात करेंगे, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ, आपकी तो नियत और नीति में ऐसी खोट है कि आपने इस देश को गुर्बत और गरीबी में ढकेल दिया, आपकी तो नियत और नीति में ऐसी खोट है, हाथ उठा के कह दूं नेता कौन है, तो अखिलेश यादव और मोदी जी में कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे जमाने जब हुई आपकी थी, राहुल गांधी की हार हो गई थी, जली ना तेरी भी जली ना, बदतमीजी करने मत आया करो शो में, थोड़ा बहुत सबको पता है अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है, गौरव भाटिया का आवाज खोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड गौरव का आवाज खोलिए, आपने मुझे कहा समय देंगे, मैं आपको दे रहा हूँ गौरव भाटिया समय, आपने खुद का वादा किया और आप झूठ बोल के इधर उधर निकल रहे हैं, बीच में ना बोल, ला 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 ला
सेकंड दाने दीजिए फिर मैं ट्विटर हैंडल है ये कहती है मैं इस्तीफा दे रही हूं और 29 मार्च इलाज कराओ अपना आप अपने अपनी बात को रखें अपने बताओं को रखें ये ये इतना नहीं ये नहीं मैं आपको वचन देता हूं एक भाई होने के नाते आपका पूरा इलाज कराऊंगा और अमीर जी आप बीच में बोल रहे मैं बोल गौरव जैसे ही मैंने ये इलाज कराने की बात पर मैंने तुरंत बोला मेरा निवेदन है कि आप दोनों मर्यादित बात करो हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल थोड़ी मर्यादा रखिए ये भ्रष्टाचारी है और ये पागल है शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इंतजार कीजिए हर दिन हर रोज हम एक ऐसा ही वीडियो आपके लिए।